हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टुडे सेशन। और आज हम लोग अपना जो प्रीवियस सेशन था, जो बीच में हमने उसको पॉज किया था, वहीं से हम रिज्यूम करने वाले हैं। हम पहले क्वेश्चन करेंगे रोड मैप के ऊपर, फिर उसका जो नेटवर्क क्राइटेरिया के जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे वो करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन ये काम खत्म करते हैं और फिर बाद में आपको बताऊंगा कि अपने को आगे करना क्या है, राइट। तो हमने इलस्ट्रेशन 12 तक सारे क्वेश्चन कल कर लिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओवर हियर, करेक्ट, यस। तो इलस्ट्रेशन अपने को 13 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। सो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 13, कंपनी एक्स लिमिटेड एंड कंपनी वाई लिमिटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 600 and 100 क्रोर्स। ओके, सो कंपनी एक्स और कंपनी वाई दोनों ही इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है। एक का नेटवर्थ है 600, दूसरे का नेटवर्थ कितना है 100 करोड़। ओके, एंड आर द सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनी विज ए बी सी। ओके, और दोनों की दोनों क्या है, फॉरेन कंपनी की सब्सिडरीज है। इसका मतलब ये दोनों कंपनीज इंडिया के अंदर है, और फॉरेन कंपनी जो है अपनी वो इनकी मालिक है। ओके, सो फॉरेन कंपनी इन कंपनियों का मालिक है। फॉरेन कंपनी का जो नेटवर्थ है वो है मोर देन 500 करोड़। फाइनेंशियल ईयर भी दे रखा है 15-16। Whether company X limited or Y limited are required to comply with Ind AS from the financial year 16-17 on the basis of net worth of the parent foreign company or on the basis of their own net worth. तो देखिए, यहां पर अगर अपन बात करें कि ये जो अपना पेरेंट कंपनी है, पेरेंट फॉरेन कंपनी जिसका बाहर, भारत के बाहर कार्यालय है और हेड ऑफिस है, या वो बाहर बाहर जो भारत के बाहर जो है वो रजिस्टर्ड है, यानी इंडियन कंपनीज एक्ट में वो फॉल नहीं करता है। तो क्या हम इस फॉरेन कंपनी के ऊपर इसकी नेटवर्थ को असेस करते हुए इंडियन वाली कंपनीज के ऊपर इंडिया की एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करेंगे? वो तो देखो, आपको सीधी बात है, कंपनीज एक्ट इंडिया के लिए है, इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंडियन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो कंपनीज एक्ट फॉरेन कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा। तो जब फॉरेन कंपनी पर नहीं लगेगा, इसका मतलब फॉरेन कंपनी के स्टेटस से डिसाइड नहीं किया जा सकता कि इंडियन सब्सिडरीज पे इंडियंस लगने हैं या नहीं। तो देखिए, फॉरेन कंपनीज के तो नेटवर्थ को तो आप छोड़ ही दीजिए कंप्लीटली, आप सिर्फ किस पे ध्यान दीजिए, इंडियन कंपनी एक्स और वाई के नेटवर्थ पे। देखिए, एक्स का नेटवर्थ कितना है, 600 करोड़ थ्रेशोल्ड मीट कर गया। वाई का जो नेटवर्थ है वो कितना है, 100 करोड़। तो देखो, यहां पर 100 करोड़ वाले के ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन एक्स वाले कंपनी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज इसका नेटवर्थ कितना है, 600 करोड़, ठीक है। तो बस हो गया ये क्वेश्चन, इसमें और कुछ खास है नहीं ऐसा अपना। सिंस द फॉरेन कंपनी एबीसी आईएनसी इज नॉट अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013 or the earlier companies act 1956, it is not required to prepare financial statement as per the companies Indian accounting standard rules 2015, and the foreign company is not required to prepare financial statement based on Ind AS, and the net worth of foreign company ABC would not be the basis for deciding whether Indian subsidiary company X limited and company Y limited are required to prepare financial statements. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, वही लिखा हुआ है इसके अंदर आंसर के अंदर। तो अब आपको कंफर्ट आ रहा होगा Ind AS की एप्लीकेबिलिटी के क्वेश्चंस में, कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको अपन कंटिन्यूअस बेसिस पे अप्लाई कर पा रहे हैं, राइट। इश्यू नंबर 14 एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो कि है एसोसिएट कंपनी से रिलेटेड, कंसिडरेशन ऑफ शेयर वॉरंट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। यहां पर ये जो बात है, ये बहुत आगे की बात है, मतलब जैसे कंसोलिडेशन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अपन कंट्रोल असेसमेंट सीखेंगे, वहां से ये क्वेश्चन है रादर देन रोड मैप के ऊपर। तो देखो, मैं पहले एक बार आपको क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं, फिर देखते हैं अपन इसके अंदर क्या दिक्कत आती है अपने को। देखिए, ये क्या कहता है, कंपनी ए लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड 26% इन कंपनी बी लिमिटेड एंड अकाउंटेड कंपनी बी एज एन एसोसिएट अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। देखो, कंपनी ए ने
कंपनी बी ने इन्वेस्ट कर दिया 26%, तो बी जो है वो कंपनी ए का हो गया एसोसिएट, साथी हो गया ना बी, और क्योंकि 20% से ज्यादा वोटिंग राइट आ जाता है तो अपने को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिल जाता है, ठीक है ना। तो ओके, नाउ कंपनी सी लिमिटेड ओन्स शेयर वारंट्स दैट आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी बी लिमिटेड एंड दैट हैव पोटेंशियल इफ एक्सरसाइज टू गिव एडिशनल वोटिंग पावर टू कंपनी सी लिमिटेड। ओके, नाउ कंपनी सी है, एक कंपनी सी, उसने क्या कर रखा है, शेयर वारंट्स दैट आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी बी, यानी सी के पास कंपनी बी के शेयर वारंट्स हैं। अब शेयर वारंट्स तो आप समझते होंगे, एज ऑफ नाउ ये इक्विटी शेयर्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब कंपनी शेयर बांटेगा तो शेयर वारंट लेके इनको क्या कर देगा, कंपनी शेयर सर्टिफिकेट दे देगा। तो शेयर वारंट का मतलब क्या है, शेयर लेने का अधिकार। जैसे अरेस्ट वारंट होता है तो वो क्या करता है, मुजरिम को गिरफ्तार करने का अधिकार रखता है, वैसे ही शेयर वारंट भी क्या है, जब फ्यूचर में शेयर इश्यू होंगे वैसे ही वो क्या करेगा, बी से वो शेयर को लेने का अधिकार इनको मिलता है, इनको सी कंपनी को, बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग शेयर वारंट्स इन कंपनी बी, ठीक है। तो यही बात इसमें लिखी हुई, दैट हैव पोटेंशियल राइट टू ऑब्टेन शेयर इफ एक्सरसाइज टू गिव एडिशनल वोटिंग पावर टू कंपनी सी, यानी अगर ऐसा हुआ तो सी के पास में वोटिंग राइट ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि जैसे ही शेयर वारंट शेयर में कन्वर्ट होंगे ये एक्चुअल में शेयर बन जाएंगे और आपके पास में वोटिंग राइट आ जाएंगे। ओवर द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ कंपनी बी लिमिटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड एस 28, नया वाला इंड एस 28 है। अब आपको ये नहीं समझना इंड एस 28 किस पर्टिकुलर चीज का है, ठीक है, उसका एक रेफरेंस आ गया आपने को, ठीक है। इट हैज बीन कंक्लूडेड दैट कंपनी बी लिमिटेड इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी सी लिमिटेड, यानी इंड एस 28 के हिसाब से, इंड एस 28 के हिसाब से, ठीक है, जो सी है सी एक एसोसिएट हो गया, सी क्या हो गया, एसोसिएट हो चुका है। नाउ कंपनी ए कंक्लूड्स दैट इट हैज नो मोर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर कंपनी बी अंडर इंड एस। अब कंपनी ए को क्या लग रहा है, कंपनी ए कह रहा है कि सिंस कंपनी बी ने ये जो शेयर्स परचेज कर लिए उसकी वजह से कंपनी ए का बी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं रहा है। एंड द अबव असेसमेंट्स हैव बीन डन एज ऑन 1 अप्रैल 2015। ये सारा असेसमेंट जो हुआ है वो कब हुआ है, 1 अप्रैल 2015 को ये असेसमेंट हुआ है। हाउएवर कंपनी ए लिमिटेड रिपोर्टेड कंपनी बी लिमिटेड एज एन एसोसिएट कंपनी एज ऑन मार्च 31, 2016, लेकिन कंपनी ए ने बी को एसोसिएट रिपोर्ट किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फॉर स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर प्रीवियस गैप, तो अपना जो प्रीवियस गैप था दैट इज एएस, ओल्ड एएस ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से बी एक एसोसिएट है, लेकिन इंड एस 28 के हिसाब से बी एसोसिएट नहीं है। यानी ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बी एक एसोसिएट है, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बी एक एसोसिएट नहीं है, ठीक है। अब ये कहता है कंपनी बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड एज अ स्टैंड अलोन एंटिटी डज नॉट मीट एनी क्राइटेरिया गिवन इन इंड एस रोड मैप वेदर कंपनी बी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंड एस। अब ये कह रहा है आपको कि बी रोडमैप के किसी भी स्टैंड अलोन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता है ना, यानी कंपनी बी के ऊपर इंड एस लगेंगे या नहीं लगेंगे ये बी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी जो है वो किसी भी रोडमैप के क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रही है। तो अब ये आपसे पूछना ये चाह रहा है कि सिंस ए ने इन्वेस्ट किया है बी में, तो अगर ए के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी है, राइट, अगर किसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है, कंपनी ए लिमिटेड, अगर इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है इंड एस की तो क्या बी के ऊपर होगी। लेकिन ए, अगर आप देखिए ध्यान से समझना, ए को इंड एस लगाने हैं 1617 से, यानी 1617 से इसको इंड एस कंपल्सरली लगाने हैं। आई बात समझ में आप सब लोगों को, 2016-17 से कंपनी ए को इंड एस लगाने हैं, और जब कंपनी ए को इंड एस लगाने हैं तो क्या बी भी कवर होगा का? क्योंकि अपना वो जो बेसिक रूल है वो क्या कहता है, अगर आपके ऊपर इंड एस लग गए तो आपके होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर पे भी लग जाएंगे, तो बी आपका एसोसिएट है। अब रही बात ये कि इन सारे डिस्कशन में हम अटक कहां पे रहे हैं, मतलब मेन जो दिक्कत है वो कहां पे अपने को आ रही है, वो ये आ रही है
कि बी को एसोसिएट कहा गया है, बी को एसोसिएट कहा गया है ओल्ड एएस और इंड एएस के हिसाब से। तो आंसर है कि ओल्ड एएस के हिसाब से बी एसोसिएट है और इंड एएस के हिसाब से बी एसोसिएट नहीं है। समझ पा रहे बात आप लोग? ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बी जो है आपका एसोसिएट है, लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एसोसिएट नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग टेक्निकल नहीं जा रहे, एसोसिएट क्या है, क्यों नहीं है इंडियंस के हिसाब से, क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है, उस चीज पे अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब चीजों का सही समय क्या होगा जब हम कंसोलिडेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, तो अपने को वहां पर ये सारी बातें सीखनी है। बट अभी के लिए हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं कि इंडियंस लगेंगे या नहीं, तो उसके लिए आप मुझे ये बताइए क्या बी के ऊपर इंडेस लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे सर आप हमको पहले ये बताओ कि एसोसिएट का डिटरमिनेशन हमें ओल्ड एएस से करना है या न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से करना है। आई क्या नहीं बात आपको समझ में? तो देखिए यहाँ पे इसके लास्ट पैराग्राफ में आ जाइए आप लोग, ठीक है, और इसको पढ़ते हैं अपन साथ में। इन द प्रेजेंट केस बाय अप्लाइंग द रेलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ इंड एएस 28 इट हैज बीन कंक्लूडेड दैट कंपनी बी लिमिटेड इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी सी लिमिटेड। ओके, सिंस कंपनी सी लिमिटेड हैज पोटेंशियल वोटिंग राइट्स ओवर कंपनी बी। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि सी और बी के बीच में एसोसिएट का रिलेशन है एज पर इंड एएस 28। ये रिलेशन कैसे आ रहा है? इंड एएस 28 के हिसाब से आ रहा है। एंड इन द गिवन सिनेरियो इन अकॉर्डिंग विद इंड एएस कंपनी बी लिमिटेड आल्सो सीजेस टू बी एन एसोसिएट ऑफ कंपनी ए। यानी एज पर इंड एएस बी और ए के बीच में एसोसिएट का रिलेशनशिप नहीं है, देयरफॉर कंपनी बी लिमिटेड नीड नॉट टू कंप्लाई विद इंड एएस। अब यहां पर हो गई बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसा इसने क्यों लिखा है। From the financial year 16-17, though the company was an associate company of company A limited under previous reporting framework. तो इसका ये आंसर है। अब आपको यहाँ पर एक आंसर पढ़कर ये बात समझ में आई होगी कि हम ये जो एसोसिएट का चेक करेंगे, एसोसिएशन अपना उस कंपनी के साथ है या नहीं, ये कैसे होगा? ये इंड एएस के हिसाब से होगा, ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होगा। सो फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस, ठीक है ना, फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस होल्डिंग सब्सिडियरी जेवी एंड एसोसिएट, राइट, दीज रिलेशनशिप्स आर टू बी tested as per new accounting standard that is Ind AS rather than old accounting standard। आई क्या नहीं बात आपको समझ में? तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट कि आपको जो रिलेशनशिप चेक करना है, ये रिलेशनशिप चेक किसके बेसिस पे करना है? Ind AS के बेसिस पे। अब इसका रीजन आप समझिए ऐसा क्यों, पुराने के बेसिस पे क्यों नहीं करना? देखो सिंस आपको इंड एएस में जाना है, तो अगर आप इंड एएस में जाएंगे तो आपका सारा काम इंड एएस के हिसाब से ही तो होगा ना। आ रही बात समझ में? तो जो एसोसिएट है ही नहीं नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, किसके हिसाब से? नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो जो एसोसिएट नहीं है इसका मतलब फिर वो मतलब रियलिटी में तो एसोसिएट है ही नहीं, तो जब वो एसोसिएट है ही नहीं तो उसके ऊपर इंड एएस क्यों लगने चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर आपका एक डाउट आ सकता है कि सर हमने ना नेटवर्थ जो चेक करी थी वो करी थी हमने स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर। कैसे चेक करी थी हमने? स्टैंड अलोन, आपका नेटवर्थ 500 करोड़ है या नहीं, 250 करोड़ है या नहीं, ये हमने कैसे चेक किया था? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस से बने थे, याद आ रहा आपको?
हमने नेटवर्थ का इवैल्यूएशन कैसे किया था, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, और ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाए गए थे। आ रही है क्या नहीं बात आपको समझ में? तो आपको यहाँ पे भी पूछना थी, सर इसको भी तो अपने को इंडेक्स से करना चाहिए। अरे भाई इसको नहीं कर सकते, क्योंकि हमको नेटवर्थ चेक करना है, इस कंपनी का प्रेजेंट नेटवर्थ कितना है, ताकि इसके ऊपर इंडेक्स लगा सके या नहीं। इसका मतलब अगर आप इंडेक्स से नेटवर्थ चेक करेंगे तो उसका मतलब इंडेक्स तो आपने लगा दिया, तो नेटवर्थ इंडेक्स के हिसाब से आएगी ना। इसलिए ध्यान रखना नेटवर्थ की टेस्टिंग आपकी कैसे होगी, ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। लेकिन रिलेशनशिप की डेफिनेशन की टेस्टिंग कैसे होगी, आपकी न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करी जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका ये क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो यहां पर इसने एक बात और भी बहुत अच्छी लिखी है। यहां पे ये कहता है कि अगर सी लिमिटेड के ऊपर इंडेक्स लगते हैं, या तो वॉलेंटरी बेसिस पे या कंपल्सरी बेसिस पे, तो बी के ऊपर भी लग जाएंगे। वो तो है ही ना, देखिए सी और बी तो एसोसिएट है ना न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अगर सी के ऊपर इंडेक्स लग रहे हैं, क्योंकि ये तो बता ही नहीं है ना बात क्वेश्चन में, तो अगर सी के ऊपर इंडेक्स लग रहे हैं तो बी के ऊपर लग जाएंगे। लेकिन अगर ए के ऊपर अपने को इंडेक्स लग रहे हैं तो बी के ऊपर इसलिए नहीं लगेंगे, क्योंकि इनका ए और बी का रिलेशनशिप एसोसिएट नहीं है एज पर न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये एसोसिएट कहा जाता है। अब आपको ये मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि सर एसोसिएट ये नए स्टैंडर्ड के हिसाब से क्यों नहीं है और पुराने के हिसाब से क्यों है, तो इस बात का जवाब आपको यहाँ पे एक बार नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जवाब हम आपको देंगे कंसोलिडेशन के चैप्टर में, क्योंकि वहीं पे हम इन सब चीजों के बारे में बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे कि एसोसिएट एक्चुअल में क्या है, सब्सिडरी क्या है, ज्वाइंट वेंचर क्या है, ठीक है ना। तो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए, अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेक्स टू होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एंड एसोसिएट कंपनी थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एसोसिएशन इन केस ऑफ वॉलेंट्री अडॉप्शन बाय द पेरेंट कंपनी। अब ये कॉन्सेप्ट है अपना, इसके ऊपर है अपना इश्यू नंबर 15। तो देखिए इशू 15 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इशू 15 क्या है, देखो कंपनी बी लिमिटेड इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी ए। एक है कंपनी ए, फिर ये कंपनी बी, बी एक एसोसिएट कंपनी है कंपनी ए का। कंपनी एक्स लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ कंपनी ए, और एक्स क्या है, कंपनी ए का होल्डिंग कंपनी है। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, फिर सब्सिडरी हो जाएगा। अच्छा, तो कंपनी एक्स ने कुछ ये डिसाइड किया कि मैं इंडेक्स लगाऊंगा, होल्डिंग कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इंडेक्स लगाने हैं, लेकिन कैसे, कंपल्सरी बेसिस पे नहीं, वॉलेंटरी बेसिस पे इंडेक्स लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, वॉलेंटरी, यानी मेरे होल्डिंग, अगर मैं एक होल्डिंग कंपनी हूं तो मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि मैं अभी कंपल्शन फेज में नहीं आया हूं, बट स्टिल मैं वॉलेंटरी फेज में इंडेक्स लगाना चाहता हूं। और आप जानते हैं वॉलेंटरी फेज क्या था आपका, 2015-16 से स्टार्ट हुआ था, राइट। उसके बाद में हर फेज वैसे वॉलेंटरी ही है, अगर आप नेटवर्थ के थ्रेशोल्ड को मेट नहीं करते, लिस्टिंग के थ्रेशोल्ड को मेट नहीं करते। तो सपोज करो, मान लो 2020-21 में कोई कंपनी का नेटवर्थ 200 करोड़ ही है और वो कंपनी लिस्टेड भी नहीं है, लेकिन 2021 में वो कंपनी इंडेक्स लगाना चाहे तो लगा सकता है क्या? बिल्कुल लगा सकता है। कैसे लगा सकता है, वॉलेंटरी बेसिस पे लगा सकता है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब अगर आप किसी थ्रेशोल्ड को मेट नहीं कर रहे, आपके ऑब्लिगेशन नहीं आ रहा आपके सर के ऊपर, तो आप अगर इंडेक्स लगाना चाहते हैं, अगर आप एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस नहीं है तो आपके ऊपर इंडेक्स लग सकते हैं। पर ठीक है, एक्स ने तो ये डिसाइड कर लिया। अब बात ये है कि वेदर कंपनी ए लिमिटेड एंड कंपनी बी लिमिटेड आर स्टैट्यूटरली रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडेक्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 15-16। एक्स के ऊपर तो इंडेक्स लग गए हैं, राइट, लेकिन क्या अब ए के ऊपर और बी के ऊपर भी इंडेक्स लगेंगे क्या? समझ पा रहे बात आप लोग, क्या ए के ऊपर और बी के ऊपर इंडेक्स लगेंगे क्या? तो देखिए भैया, अगर एक्स के ऊपर वॉलेंटरी बेसिस पे इंडेक्स लग गए हैं, ठीक है, तो वो अपना रोल एप्लीकेबल हो जाएगा कि एक्स की होल्डिंग, एक्स की सब्सिडरी, एक्स की एसोसिएट और एक्स का जेवी, इन सबके ऊपर इंडेक्स लग जाएंगे, इन सबके ऊपर लग जाएंगे। तो देखना, एक्स का सब्सिडरी कौन है, ए, तो मतलब ए के ऊपर भी इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन
ये जो एक्स है, एक्स एक होल्डिंग कंपनी है, तो एक्स का सब्सिडरी है ए, लेकिन इस सब्सिडरी का एसोसिएट बी है, तो ये हमारा तो एसोसिएट नहीं है ना, समझ पा रहे बात आप लोग, ये हमारा एसोसिएट नहीं है, ये एसोसिएट किसका है, ये सब्सिडरी का एसोसिएट है, तो दिस इज नॉट एसोसिएट डायरेक्टली फॉर कंपनी एक्स होल्डिंग कंपनी, तो क्या ये इस एसोसिएट के ऊपर इंड एस लगेंगे क्या, तो आइए देखते हैं अपन इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, देखो नाउ इन अदर वर्ड्स इफ अ पेरेंट कंपनी वॉलेंटरली और मैंडेटरी अडॉप्ट इंड एस देन इट्स होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट whether through direct or indirect association shall comply Ind AS from the financial year in which the parent company starts complying with Ind AS. ठीक है, तो यहाँ पे तो ये प्रोविजन जो मैंने आपको बताया यही एक्सप्लेन कर दिया कि अगर एक्स के ऊपर Ind AS लग गए तो एक्स के सब्सिडरी के ऊपर भी लगेंगे, एक्स के होल्डिंग पे भी लगेंगे, एक्स के एसोसिएट और एक्स के जेवी पे भी लगेंगे, पर बात ये है क्या ये एक्स और बी में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं, तो देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान से समझना। इन द गिवन केस कंपनी बी लिमिटेड इज अ डायरेक्ट एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी ए लिमिटेड बट नॉट कंपनी एक्स, यानी जो बी है ये ए का तो डायरेक्ट एसोसिएट है, समझ रहे हैं बात आप लोग, लेकिन एक्स का तो नहीं है। हाउएवर कंपनी एक्स लिमिटेड through its subsidiary that is company B limited has significant influence over company B limited indirectly, इसका मतलब holding का, अब आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, ध्यान से समझना, ये subsidiary का associate के साथ पे जो संपर्क है, contact जो है, ये तो है भाई direct relationship, समझ रहे बात आप लोग। अब आपको एग्जांपल देता हूं, एच का फ्रेंड है एस और एस का फ्रेंड है ए, तो एक बात बताओ क्या ए इनडायरेक्टली एच का फ्रेंड है, इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली एस ए के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, तो होल्डिंग एसोसिएट के ऊपर डायरेक्टली तो नहीं रखता लेकिन थ्रू इट्स सब्सिडरी वो एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, इसे कहते हैं अपन इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, समझ पा रहे बात आप लोग, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इसका मतलब कि होल्डिंग का सब्सिडरी पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सब्सिडरी का एसोसिएट पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन होल्डिंग का एसोसिएट पे क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये बात समझ में आई आपको, तो रिलेशनशिप चेक करने के लिए आपको बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से प्रोसीड करना है, यानी आपको तो डायरेक्ट एसोसिएट्स भी काउंट करने हैं, डायरेक्ट सब्सिडरी भी काउंट करनी है, और आपको इनडायरेक्ट एसोसिएट्स और इनडायरेक्ट सब्सिडरीज भी काउंट करनी है, बताइए आपको समझ में आई या बात नहीं आई। तो ये कहता है इन व्यू ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट्स कंपनी बी लिमिटेड शैल आल्सो कंप्लाई विद इंड एस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 15-16, इसका मतलब एक्स और ये जो बी है ना, एक्स और बी इनका भी आपस में एसोसिएट का ही रिलेशनशिप है, लेकिन बीच में कौन आ रहा है, बीच में आ रहा है ए, ठीक है ना, तो ये एसोसिएट का जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो ये रिलेशनशिप अपना कौन सा माना जाएगा, ये रिलेशनशिप माना जाएगा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, तो कहने का मतलब इंड एस लग जाएंगे हमारे सब्सिडरी के ऊपर भी और हमारे इनडायरेक्ट एसोसिएट के ऊपर भी, बोलिए आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया है पढ़ाई में तो आपको एक डाउट जनरेट होना चाहिए, सर आपने हमें कभी पहले बताया था फेलो सब्सिडरी के ऊपर ऑटोमेटिक इंड एस नहीं लगते, फेलो सब्सिडरी के ऊपर ऑटोमेटिक इंड एस नहीं लगते, देखिए फेलो सब्सिडरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होल्डिंग, इसका सब्सिडरी वन और ये इसका सब्सिडरी टू, नाउ सब्सिडरी वन के नीचे एक सब्सिडरी टू है, टू तो नहीं थ्री लिख देते हैं इसको, सब्सिडरी थ्री,
अब देखिए होल्डिंग कंपनी के ऊपर इंडेस लगा है, किसके ऊपर इंडेस लगा है, होल्डिंग कंपनी के ऊपर इंडेस लगा है, तो देखो S1 पे भी लगेगा डायरेक्टली, S3 के ऊपर भी लगेगा इनडायरेक्टली, क्योंकि होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट सिर्फ S1 में है, S3 में नहीं। S3 का इन्वेस्टमेंट किस में है, मतलब S1 ने S3 में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो S1 पे भी इंडेक्स लगेगा, S3 पे भी लगेगा और S2 पे भी लगेगा। समझ पा रहे बात आप लोग? पर अगर अपन इसी एग्जांपल को ऐसे समझें कि ये है अपना H, ओके, और ये है अपना S1 और ये है अपना S2, ओके, और ये अपना S3। अब आप समझना इन डेज की एप्लीकेबिलिटी S1 पे है सिर्फ। समझ रहे बात आप लोग? इन डेज की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? S1 के ऊपर है। तो बताइए किस किस के ऊपर इंडेस लगेंगे, बहुत ध्यान से बताना। S1 पे तो इंडेस लग ही गए, रूल क्या बोलता है, मेरा होल्डिंग यानी मेरा होल्डिंग H है तो H के ऊपर भी इंडेस लगेंगे। मेरा सब्सिडरी जो कि S3 है, इसका मतलब S3 के ऊपर भी इंडेस लगेंगे। और मेरा एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर तो कोई है नहीं, इसका मतलब S3 पे लगेंगे, S1 पे लगेंगे और H पे लगेंगे। व्हाट अबाउट S2, क्या S2 पे इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आएगी? ठीक है, तो अगर आपने फेलो सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ा होगा तो आपका आंसर सही होना चाहिए इस समय। इसका आंसर होगा नो, S2 के ऊपर कोई इंडेस की एप्लीकेबिलिटी स्टैट्यूटरली तो नहीं आएगी, स्टैट्यूटरली इंडेस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। आर वी क्लियर अबाउट दैट? पर क्या होगा ना, दिक्कत बस ये हो जाएगी कि H जब अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो H के अकाउंट्स इंडेस से बनते हैं, ठीक है, इसमें जुड़ेगा S1 का अकाउंट, वो भी इंडेस से बनता है, इसमें जुड़ेगा S3 का अकाउंट, वो भी इंडेस से ही बनते हैं, अब इसमें जुड़ेगा S2 का अकाउंट्स, अब वो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनेंगे तो आप मुझे एक बात बताना, पॉलिसीज डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी ना, इसलिए S2 को मजबूरन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, खाली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पॉलिसी से बन पाए इसलिए S2 को एक अलग से इंडेस सेट बना के देना पड़ेगा अपने मालिक को कि लीजिए सर आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेस के हिसाब से कंसोलिडेट कर लीजिए। सो S2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। बट बड़ी बात इसको ध्यान से समझना, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं ये पॉइंट, बट टू फैसिलिटेट कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन करने के लिए, ठीक है, S2 विल प्रोवाइड, इसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, ये खाली प्रोवाइड करेगा इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, खाली कंसोलिडेशन करने के लिए, है ना। तो बात ये है कि एच बोलेगा एस टू, वैसे तो तेरे ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं आ रही है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, पर एक काम कर भाई, तू क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अपने अकाउंट्स करता है फिर इंडेस से भी बनाएगा, तू एक काम करना वॉलेंटरीली अडॉप्ट कर ले। अब स्टैट्यूटरी तो अडॉप्ट करता नहीं ना, एप्लीकेबिलिटी हार ही नहीं इसके ऊपर, थ्रेशोल्ड मान लो ये मीट नहीं कर रहा, तो वो क्या बोलेगा इंटरनली, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मालिक कौन है, एच। अब एच जैसा बोलेगा वैसा करना तो पड़ेगा ना। एक होता है देखो लीगल ऑब्लिगेशन, एक होता है हमने ऑब्लिगेशन कोई नहीं है, हमारे सर पे ऑब्लिगेशन तो कुछ है नहीं, लेकिन हम क्या है उस ऑब्लिगेशन को खुद ही जनरेट कर रहे हैं बाय वे ऑफ वॉलेंट्री अडॉप्टिंग इंडेस, तो हम क्या करेंगे वॉलेंट्रीली इंडेस अडॉप्ट कर लेंगे। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? तो S2 क्या कर लेगा, वॉलेंट्री अडॉप्ट कर लेगा ताकि उसको AS से अकाउंट नहीं बनाने पड़े, राइट? नहीं तो क्या होगा, अगर वो इंडेस नहीं लगाता है तो उसको AS से बनाने पड़ेंगे और अपने मालिक को इंडेस से कंसोलिडेशन बनाने के लिए देना पड़ेगा। आई होप ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी यहां तक। तो ये डिफरेंस हुआ फेलो सब्सिडरी में और यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट इश्यू के अंदर जो कि है इश्यू नंबर 16। इश्यू 16 क्या कहता है, देखो एबीसी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड द नेटवर्थ ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन मार्च 14 वाज 200 करोड़, ओके, 31 मार्च 14 को इसका जो नेटवर्थ है वो 200 करोड़ है,
एबीसी हैड अ सब्सिडरी जिसका नाम है एक्स वाई जेड, तो ये एबीसी कंपनी है, इसका एक सब्सिडरी है एक्स वाई जेड करके, कंसिस्टिंग ओनली ऑफ शेयर कैपिटल एज एट डेट दैट डेट एंड वाज 600 करोड़। बस इसमें खाली शेयर कैपिटल ही है 600 करोड़ का। एक्स वाई जेड लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन जैन 15, एक्स वाई जेड को जैन 15 में हमने इनकॉर्पोरेट किया है। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इट्स डाइवेस्टमेंट, इसको हमने डाइवेस्टमेंट पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है ना, हमने इसमें इन्वेस्ट किया ना, तो हमने हमारा इन्वेस्टमेंट को क्या किया, इस पर्टिकुलर कंपनी में डाइवेस्ट कर दिया, तो इस पर्पस के लिए हमने क्या किया है, इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड वर नॉट कंसोलिडेटेड विद दैट ऑफ एबीसी लिमिटेड, मतलब ये जो एक्स वाई जेड है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एबीसी के साथ में कंसोलिडेट नहीं होंगे, क्योंकि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं हम किसी को सब्सिक्वेंटली बेच देंगे, हम इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखना ही नहीं चाहते। देखो, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या होता है डाइवेस्टमेंट, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने एक्स वाई जेड में इन्वेस्ट किया और हम उसको गोइंग कंसर्न रखेंगे, पर हमने क्या किया, एक्स वाई जेड नाम की एक कंपनी बना दी और हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के जितने भी शेयर्स हैं वो किसी दूसरे को बेच देंगे, दैट इज नोन एज डाइवेस्टमेंट। ठीक है, तो ये कहता है पिछले जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे were not consolidated with that of ABC Limited as at 31st March 15 in view of requirement of Para 11 of Accounting Standard 21 consolidated financial statement। तो erstwhile हमारा जो पुराना accounting standard होता था consolidation का, वो S21 था। तो S21 कहता है कि अगर आप ऐसे purpose के लिए अपनी entity frame करते हो जिसमें आपका control exercise करने का कोई objective नहीं है, तो वो फिर आप उसे consolidate ना करें। ठीक है, फिर क्या कहता है, देखो, एबीसी लिमिटेड एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद द प्रपोज्ड एक्वायरर ऑफ द सब्सिडरी दैट इज पीक्यूआर। तो हमने ना एक एक्वायरर ढूंढ लिया, बाजार में जाकर हमने एक एक्वायरर ढूंढ लिया। ठीक है, इन सितंबर 15 एंड द एंटायर ओनरशिप ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड वाज फाइनली ट्रांसफर्ड टू द सेड एक्वायरर इन द फर्स्ट फॉर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2016। यानी हमने क्या किया कि ये जो कंपनी बनाई, ये कंपनी हमने कब बनाई, जैन 15 में हमने ये कंपनी बनाई। ठीक है ना, जैन 15 के बाद में देखिए, यहां पे हमने जैन 15 में कंपनी बनाई, बीच में आ जाएगा 31st मार्च, क्योंकि इस दिन अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, एंड फर्स्ट फोर्टनाइट इसका मतलब 15 अप्रैल तक हमने क्या किया, हमारे बिजनेस को, हमारा जो सब्सिडरी था डाइवेस्टमेंट पर्पस के लिए जिसको हमने बनाया, ये एक्स वाई जेड को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ओके, नाउ इन द गिवन केस वेदर द एबीसी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडियस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 16-17। देखिए भैया, इंडियस क्या मतलब जैन 15 इसका एक्स वाई जेड कंपनी, ये जो है एक्स वाई जेड कंपनी, ये जो एक्स वाई जेड कंपनी है इसका जो खुद का नेटवर्थ है वो 600 करोड़ है, और उसका मालिक है वो एबीसी है, वो एबीसी का जो नेटवर्थ है वो है 200 करोड़, लेकिन ये लिस्टेड कंपनी है। अब लिस्टेड कंपनी है उसका 250 करोड़ से नेटवर्थ कम है, इसका मतलब ये फेज टू में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, फेज टू, दैट मीन्स 17-18 से इसके ऊपर इंडेक्स लगेंगे, किसके ऊपर, एबीसी के ऊपर, अंटिल अनलेस ये लिस्टेड ना करवा ले, सॉरी डीलिस्ट ना करा ले अपने आप को। समझ पा रहे बात आप लोग? तो कल ही अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था, जो प्रीवियस सेशन था अपना, आपने जब भी उसको देखा होगा, उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी अगर अपने आप को डीलिस्ट करवा लेता है, तो डीलिस्ट करवा लेगा तो फिर बाद में उसके ऊपर इंडेक्स अपने को कैसे देखने हैं, ये देखना है कि क्या वो उस साल में लिस्टेड था ड्यूरिंग द ईयर या नहीं। तो भैया वही बात है इसमें कि अपने को क्या 17-18 पर जब अपने को इंडेक्स लगेंगे, 17-18 पर अपने को जब इंडेक्स लगेंगे किसको, जो एक एबीसी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो इसका क्वेश्चन ये है कि इन द गिवन केस वेदर द एबीसी लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडेक्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 16-17। तो देखो, एबीसी तो एक लिस्टेड कंपनी है, इसके ऊपर तो 17-18 से आएगी एप्लीकेबिलिटी ना, एबीसी एक लिस्टेड कंपनी है
एज पर द एनालिसिस जो हमने अभी किया है इसके ऊपर फेज टू में एप्लीकेबिलिटी आएगी जो कि 17-18 है, तो इसका आंसर होगा नो, 16-17 से इसके ऊपर इंडिया से नहीं लगेंगे। ठीक है, देखो इफ एबीसी लिमिटेड वाज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्सवाईजेड इन अकॉर्डेंस विद इंडियस एज अ 31 मार्च 15, देन एबीसी लिमिटेड शुड कंप्लाई विद इंडियस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 16-17 since Indias are applicable to XYZ Limited from the financial year 16-17, ठीक है, ऐसा इसने कहा है। अच्छा यहाँ पे अपन इसका आंसर थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में इन्होंने फाइनल आंसर नहीं दिया, तो अपने को इसका एनालिसिस पढ़ते हैं। पर देखिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इन द गिवन केस Indias will be mandatorily applicable to XYZ Limited from financial year 16-17 since its net worth as on 31st March 15 is more than 500 crore। तो देखो ये XYZ की बात कर रहा है, ABC की नहीं, XYZ की नेटवर्थ 600 करोड़ है, तो वो तो आप जानते ही है, ये फर्स्ट फेज में कवर हो जाएगा, यानी इसके ऊपर Indias लगेंगे 16-17 से। कैसे लगेंगे इंडियस 16-17 से इंडियस लगेंगे, और अब XYZ के ऊपर 16-17 से इंडियस लगेंगे, तो XYZ का वैसे तो अभी तो मालिक कौन है बिफोर 31st मार्च, अभी तो एबीसी मालिक है ना, तो आप जानते हैं कि XYZ के ऊपर अगर इंडियस लग गए, राइट, XYZ के ऊपर अगर इंडियस लग गए तो फिर बाद में एबीसी पे भी लग जाएंगे, इसीलिए इसने ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछा है कि क्या एबीसी लिमिटेड के ऊपर इसकी इंडियस की एप्लीकेबिलिटी जो है वो क्या 16-17 से आएगी क्या, है ना। तो ये अब इसका अपन देखिए एक बार एनालिसिस पढ़ते हैं। एज ऑलरेडी क्लेरिफाइड इन आईटीएफजी क्लेरिफिकेशन बुलेटिन नंबर 3 एज इश्यू नंबर 5, कंसिस्टेंट अप्रोच वुड बी फॉलोड टू कंसीडर द डेफिनेशन गिवन इन इंडियस बोथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप विद अनदर एंटिटी। मैंने आपको अभी भी बताया कि रिलेशनशिप की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नहीं, जबकि कैसे होगा ये न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक्स वाई जेड कंसोलिडेशन नहीं हो सकता था क्योंकि इसको हमने डाइवेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा है। किसके पर्पस के लिए रखा है? डाइवेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा है। तो AS 21 के अनुसार ये एक्स वाई जेड हमारी सब्सिडरी नहीं थी, लेकिन इंडियस के हिसाब से ये हमारी क्या है? सब्सिडरी है। तो अगर इंडियस के हिसाब से ये अपनी सब्सिडरी है तो बताइए क्या हमें इस कंपनी के होल्डिंग कंपनी होते हुए इंडियस लगाने पड़ेंगे क्या? द आंसर इज ऑफ कोर्स यस, आपको इंडियस लगाने पड़ेंगे। अगर आप एक एबीसी कंपनी है तो आपकी कंपनी के ऊपर अभी पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं, तो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्स वाई जेड जो है वो आपका सब्सिडरी नहीं है, लेकिन ये नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका सब्सिडरी है। तो अगर नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सब्सिडरी है तो एबीसी के ऊपर भी ये इंडियस लग जाएंगे। सो देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी एंड एक्सवाईजेड शुड बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हेंस इट इज इररिलेवेंट टू कंसीडर द फैक्ट दैट एक्सवाईजेड वाज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एबीसी एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ प्रीवियस गैप। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये वाली बात लिखाई थी कि ये जो रिलेशनशिप वगैरह है ये हम कब चेक करेंगे, ये चेक करेंगे न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। आई बात समझ में? तो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये हमारा सब्सिडरी नहीं था, लेकिन न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा ये सब्सिडरी है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसके साथ में कंसोलिडेशन 31st मार्च को तो करना पड़ेगा। बाद में अगर आप इसे बेच देते हैं तो भैया बेच दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब 31st मार्च को CFS तो बनाने पड़ेंगे आपको। कौन कौन मिलेंगे CFS में? ABC प्लस XYZ, ओके, यानी 31st मार्च को CFS आपको बनाने पड़ेंगे। इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये आपका इंडियस की एप्लीकेबिलिटी जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो 31st मार्च को तो ये कंपनी एग्जिस्टेंस में है, और 1st अप्रैल को भी ये कंपनी आपका क्या है? एग्जिस्टेंस में है, आप ही के कंट्रोल में है ना। 15 अप्रैल तक तो आपने बेचा नहीं उसको, अब आपने बेचा है 15 अप्रैल को, तो अब ये जो नेक्स्ट जो 31st मार्च आएगा ना, नेक्स्ट 31st मार्च, इस नेक्स्ट 31st मार्च को जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपका ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये 3 महीने तक क्या रहेगा? आपका सब्सिडरी, और 3 महीने के बाद में ये सब्सिडरी की सेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो अभी आप इसके अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल भी जाओ ही मत, ठीक है ना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन क्लब होगा,
कितने दिनों तक क्लब होगा, कितने दिनों तक कंसोलिडेशन चलेगा अगर बीच में ही हम अपने सब्सिडरी को बेच या खरीद लेते हैं, ये सब चीजें सेल ऑफ सब्सिडरी, परचेज ऑफ सब्सिडरी के टॉपिक से पूरा इसका प्रैक्टिकल टॉपिक होगा। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि इसके ऊपर इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी आएगी या नहीं। तो यहां पर जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से कि भाई मैंने आपको कहा था होल्डिंग सब्सिडरी और लिस्टिंग का क्राइटेरिया ड्यूरिंग द ईयर देखा जाता है, तो ड्यूरिंग द ईयर हमारे इस पर्टिकुलर ईयर में साल के पहले दिन से लेके 15 दिन के लगभग ये अपनी सब्सिडरी रही। इसका मतलब जब ये सब्सिडरी रही तो अपने ऊपर भी इंडेक्स लग जाएंगे क्योंकि हमारी सब्सिडरी के ऊपर इंडेक्स लग गए, राइट। सो 31 मार्च को हम जब अपने CFS बनाएंगे उस CFS में अपन क्या करेंगे, शुरुआत के 15 दिन तक तो प्लस 15 डेज तक तो ये सब्सिडरी को अपन दिखाएंगे, इसके रिजल्ट्स कंसोलिडेट होंगे। बियॉन्ड 15 डेज आपका जो भी रिजल्ट आएगा, बियॉन्ड 15 डेज जो भी आपका रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट बेसिकली क्या होगा, डी कंसोलिडेट हो जाएगा। इसका मतलब इसे अपन क्या दिखाएंगे, सेल ऑफ सब्सिडरी। क्या दिखाएंगे इसको अपन, सेल ऑफ सब्सिडरी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहां पे दिखाएंगे इसको, सेल ऑफ सब्सिडरी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आर वी क्लियर विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनके प्रोविजंस को समझा, जो डेफिनेशंस है वो अपने को डेफिनेशंस कहां से देखनी है, नए स्टैंडर्ड के हिसाब से देखनी है। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट JV का रिलेशनशिप अपने को ड्यूरिंग द ईयर देखना होता है, लिस्टिंग क्राइटेरिया भी ड्यूरिंग द ईयर देखना होता है। अगर वो ड्यूरिंग द ईयर मेट होता है तो अपने को इंडेक्स लगाने पड़ेंगे। तो ये कहता है, इन व्यू ऑफ द अबव ITFG क्लेरिफिकेशन, whether ABC Limited is a holding company of XYZ Limited or not shall be determined as per Ind AS rather than पुराना वाला accounting standard. इसीलिए if ABC Limited was a holding company of XYZ in accordance with Ind AS, यानी इन अगर Ind AS के हिसाब से ABC Limited अगर holding company है तो भैया आपको लगाने पड़ेंगे Ind AS, ABC को भी लगाने पड़ेंगे, XYZ को भी लगाने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में आप सब लोगों को, ठीक है ना। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में भी अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज में डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी एट माई फोन नंबर, अदरवाइज आप ईमेल व्हाट्सएप के द्वारा भी अपने कोई भी डाउट जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं अपने इश्यू नंबर 17 में, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, XYZ Limited is a company having net worth less than 250 crore. इसका नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, XYZ कंपनी है ये। What is the status of applicability of Ind AS in the following scenarios? Given scenarios में A से लेकर D तक के क्वेश्चन है, उनमें अपने को ये बताना है कि Ind AS लगेंगे या नहीं। वैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ Ind AS इन केस ऑफ चेंज इन द स्टेटस ऑफ लिस्टेड कंपनी और कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग और लिस्टेड डिबेंचर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई खास पॉइंट है, इसलिए हम सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे करके चल रहे हैं, ठीक है। होप ये सारी चीज आपको आ रही भी होगी समझ में। तो देखिए इसका केस नंबर ए लेते हैं अपन, ए केस में क्या दिया हुआ, देखिए The company was in the process of listing as at the beginning of the year, 1 अप्रैल 17 को, ठीक है। इसका जो नेटवर्थ है, ये नेटवर्थ कब है, 31 मार्च 17 को ये नेटवर्थ इसका 250 करोड़ है। 1 अप्रैल 17 को ये कंपनी लिस्टिंग प्रोसेस में जा चुकी है, यानी ये कंपनी अपने आप को लिस्ट कराना चाहती है और लिस्टिंग प्रोसेस में जा चुकी है, ओके। And the company ultimately gets listed at the year end March 18, यानी 31 March 18 तक आते आते कंपनी लिस्ट हो जाती है बीच में ही, पूरे साल के बीच में किसी ना किसी दिन ये कंपनी अल्टीमेटली क्या हो जाती है, लिस्टेड हो जाती है। तो बताइए क्या इस कंपनी के ऊपर इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी होगी, बिल्कुल इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी क्लियर होगी इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इसका नेटवर्थ क्या है, 250 करोड़ से कम है। इसका मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी फेज टू में होगी, विच इज 2017-18, ठीक है ना। 2017-18 फेज टू में इस कंपनी की जो लिस्टिंग क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो रहा है, फेज टू के स्टार्टिंग में ही लिस्टिंग क्राइटेरिया इसने स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब फेज टू के जो अकाउंट्स बनेंगे, 17-18 एनुअल अकाउंट्स जो बनेंगे, ये सारे अकाउंट्स कैसे बनेंगे, इंडेक्स नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के
हिसाब से. क्लियर. देखिए केस नंबर बी देखते हैं. द कंपनी इज लिस्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. देखिए बिगनिंग ऑफ द ईयर फर्स्ट अप्रैल को लिस्टेड है, ये लिस्टेड है, ऑलरेडी लिस्टेड है. एंड ड्यूरिंग द ईयर गेट्स डीलिस्टेड और 31 मार्च 18 तक आते आते इसने अपने आप को बीच में कहीं ना कहीं डीलिस्ट करवा लिया, यानी स्टॉक एक्सचेंज से अपनी लिस्टिंग एप्लीकेशन विड्रॉ करा ली, अपने स्टेटस को डीलिस्ट करा लिया. तो क्या ऐसे केस में इंडेक्स लगेंगे? आपका आंसर सही आना चाहिए, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी है, बिल्कुल लगेंगे. मैंने आपको क्या कहा था, ये जो लिस्टिंग क्राइटेरिया है ड्यूरिंग द ईयर चेक किया जाता है. ड्यूरिंग द ईयर पहले दिन तो ये लिस्टेड ही है ना, तो अगर ये एक दिन भी लिस्टेड रह गई कंपनी तो उसको अपने अकाउंट्स तो इंडेक्स के हिसाब से बनाने पड़ेंगे. आर वी क्लियर अबाउट दैट? हाँ जी, समझ में आ रहा ना सारा. सी द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग बिगेन ड्यूरिंग द ईयर फॉर एग्जाम्पल इन द मंथ ऑफ मे 17. तो देखिए हुआ क्या कि मे मंथ में आपने लिस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी. मे मंथ में आपने लिस्टिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दी है, लिस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी है आपने. एंड द कंपनी अल्टीमेटली गेट्स लिस्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर. मार्च 18 के पहले पहले लिस्ट हो गए आप, लिस्टेड हो गए कभी ना कभी मार्च के पहले पहले. विल देयर बी एनी डिफरेंस? तो पहली बात तो देखो इंडेक्स तो लगेंगे इसके ऊपर, आप जानते ही हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कभी भी आप लिस्टेड हो जाएं या लिस्टिंग प्रोसेस में चले जाएं, एक ही बात है, इंडेक्स तो लग जाएंगे. फिर ये कहता है विल देयर बी एनी डिफरेंस इफ द कंपनी गेट्स लिस्टेड इन अप्रैल 2018 दैट इज इट वॉज इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एज एट द ईयर एंड. चलो कोई बात नहीं, इसका भी आंसर देंगे. देखिए आपने मे में लिस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, मे में आपने लिस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट किया और 31 मार्च तक आप क्या हैं, 31 मार्च तक आप लिस्टेड नहीं हुए, जबकि लिस्टिंग प्रोसेस में ही है, यानी काम चल रहा है, WIP है, लिस्टिंग प्रोसेस में ही है आप. और ये आपकी कंपनी लिस्टेड कब हुई? नेक्स्ट अप्रैल में, अप्रैल में ये कंपनी आपकी जो है लिस्टेड हुई है. तो क्या 31 मार्च को आपको इंडेक्स से अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे या पुराने स्टैंडर्ड से? तो मैंने आपको क्या कहा था, चाहे आप लिस्टेड हो चाहे आप इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में हो, दोनों ही कंडीशन में आपके ऊपर इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी. चलिए तो सी वाला भी पार्ट हो गया अपना, डी वाला पार्ट भी देख लेते हैं. डी में क्या कहता है, कंपनी इशूड लिस्टेड डिबेंचर इन द मंथ ऑफ मे 17. However, in the month of Jan 18, the debentures got delisted. इस केस को आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए क्या कह रहा है, मे 17 में मेरा कंपनी लिस्टेड नहीं है. आपको पता होगा कंपनी सिर्फ अपने डेट को भी लिस्ट करा सकती है, तो मैंने सिर्फ मेरे डिबेंचर लिस्ट करवा रखे हैं. डिबेंचर जो है वो लिस्टेड है, मई 17 में मैंने इनको लिस्टेड करवा लिया था. लेकिन जैन 18 में मैंने डिबेंचर्स को डीलिस्ट करवा लिया, स्टॉक मार्केट से मैंने इनको क्या करा लिया, डीलिस्ट करवा लिया. मार्च 18 में मेरा स्टेटस क्या है, आई एम अ नॉन लिस्टेड कंपनी. अगर मैं इस कंपनी की बात करूं और मैं ये कंपनी को अज्यूम करूं कि मैं ही ये कंपनी हूं, तो आई एम नॉन लिस्टेड कंपनी एज एट द ईयर एंड 31 मार्च 18. और जब ये 31 मार्च 18 को जब मेरा कंपनी नॉन लिस्टेड कंपनी है, तो बताइए मार्च 18 को कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएगा, इंडेक्स के हिसाब से बनाएगा या पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? ये बहुत ही स्पेशल केस है जहां पे कंपनी खाली अपने डिबेंचर को लिस्ट कराती है, राइट? तो मार्च 18 तक इसके डिबेंचर भी लिस्टेड ना रहे, और ये प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में भी नहीं है. बड़ी ध्यान से समझना, ये कंपनी लिस्टिंग के प्रोसेस में नहीं है, ये कंपनी लिस्टेड था भी नहीं और ये कंपनी ना ही लिस्टिंग के प्रोसेस में, बस खाली इसने डिबेंचर लिस्ट करा रखे थे. तो अगर मार्च 18 तक इसके डिबेंचर लिस्ट ही रहते तो इंडेक्स लग जाते. इंडेक्स तभी लगते अगर इसके डिबेंचर मार्च 18 तक क्या रहते, लिस्टेड रहते. लेकिन इसके ऊपर इंडेक्स अब नहीं लगेंगे क्योंकि ये कंपनी ना तो लिस्टेड कंपनी है ना ही ये प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है.
दोनों ही क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं हो रहे, ना तो कंपनी ये क्या है लिस्टेड है और ना ही ये प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है। इसका मतलब ये कंपनी के ऊपर इंडेक्स नहीं लगेंगे क्योंकि इसने डिबेंचर्स को जो लिस्ट करा रखा था वो डिलिस्ट करा लिया। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या ये डिबेंचर लिस्टिंग वाला क्राइटेरिया हम ड्यूरिंग द ईयर देख के पूरे साल पर इंडेक्स नहीं लगा सकते? आंसर इज नो। उसके लिए आपको लिस्टिंग का ही क्राइटेरिया देखना पड़ेगा या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग का क्राइटेरिया देखना पड़ेगा और वो पूरे कंपनी के लिए होगा। यदि आपने सिर्फ डिबेंचर को लिस्ट करा रखा है तो आपके ऊपर इंडेक्स तभी लगेंगे जब वो डिबेंचर एक्टिव मार्केट में 31 मार्च को भी क्या हो, लिस्टेड हो। आर वी क्लियर? ठीक है ना, तो आगे बात समझ में। तो ये सारे के सारे केस हो गए, अब आप इनका आंसर यहां से टैली कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट केस में आपके अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए, इंडेक्स के हिसाब से बनने चाहिए, शैल प्रिपेयर इंडेक्स, ठीक है ना, अकाउंट एज पर इंडेक्स। और सेकंड केस के अंदर भी शैल प्रिपेयर इंडेक्स के हिसाब से, सेकंड केस के में भी आपके अकाउंट्स इंडेक्स के हिसाब से बनने चाहिए। थर्ड केस में क्या कहता है, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में होने के बाद में भी इसको इंडेक्स से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो थर्ड केस में भी इंडेक्स के हिसाब से अकाउंट बना लेगा ये, ओके। अच्छा डी वाले में भी क्या कहता है, ओके, सी में दो पार्ट थे ना, तो दो ही आंसर होंगे फिर इसके, दोनों ही पार्ट के आंसर इंडेक्स में है अपने, यानी दोनों पार्ट पे इंडेक्स लगेंगे, ठीक है ना। तो आप इनको पढ़ लेना सेम ईयर में जो क्वार्टर एंडिंग जो है अपना, जहां पे अपन इस कंपनी को लिस्ट करवाए हैं उस दिन से अपने इंडेक्स लगने वाले हैं इसके ऊपर, तो सी के दोनों पार्ट का आंसर वही है, इंडेक्स लग जाएंगे। और डी में ये कहता है कि डिबेंचर्स वाले केस में इंडेक्स नहीं लगेंगे, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो अपना आंसर है वो भी सही है। आगे बात समझ में आप सब लोगों को, ठीक है। तो एक बार के लिए अपन क्या करते हैं, सी वाले पार्ट का आंसर देखो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन केस ऑल्दो द कंपनी वाज नीदर लिस्टेड एज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड नॉर इट बिगेन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बट इट बिगेन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ड्यूरिंग द ईयर and ultimately got listed as at the end of the year, then it shall be required to comply in days from the same year in which it began the process of listing. Furthermore, in case the company gets listed during the year, say from November 17, then it will be required to provide Ind AS financial statement for the quarter ending December 17 and consequently for the year ending March 18. देखो ये तो बात इसने एक्स्ट्रा लिखी है, क्वेश्चन में तो पूछा है नहीं। ये कह रहा है कि मान लो कि कंपनी जो है वो नवंबर 17 में लिस्ट होती है, ठीक है, एक सेकंड, कल ही मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था। मान लो कंपनी नवंबर 17 में लिस्ट होती है, तो नवंबर कौन से क्वार्टर में आता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, तो नवंबर में ये लिस्ट होती है ना, तो इसको अक्टूबर नवंबर दिसंबर के इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इंडेक्स से बनाने पड़ेंगे, और जैन फेब मार्च तो इंडेक्स से बनेगा ही बनेगा, है ना, जैन फेब मार्च ये तो अपना इंडेक्स से ही बनने वाला है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इसने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का भी ज्ञान इसमें इनबिल्ट कर दिया, बाकी अपन ने जितना क्वेश्चन का आंसर इसने पूछा था वो बता दिया। फिर कहता है मोरओवर इन द गिवन फैक्ट पैटर्न इफ द कंपनी वाज इन द प्रोसेस एट द ईयर एंड देन आल्सो इट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इन डेस एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इन डेस। इसका मतलब मोरओवर मतलब, और अगर अपन बात करें, अगर कंपनी भले ही चाहे लिस्टेड ना हुआ हो ईयर एंड पे आते आते, स्टिल वो अगर लिस्टिंग प्रोसेस में है, किसमें है, लिस्टिंग प्रोसेस में, तो भी उसके ऊपर इंडेक्स लग जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया अपना क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस ऑफ एप्लीकेबिलिटी। इसके बाद में आते हैं अपने लोग इशू नंबर 18 में, ठीक है। इशू 18 देखिए, कंपनी इज अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है, तो ये स्टॉक ब्रोकर की सर्विसेज जो होती है वो बेसिकली एनबीएफसी सर्विस होती है। एंड द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी जो है 31 मार्च 15 को 500 करोड़
As per the Ind AS rules, it falls under the definition of NBFC roadmap and accordingly is required to apply Ind AS from 1st April 18 onwards. तो मैंने आपको कहा था कि इस कंपनी को ऐसी कंपनी को Ind AS 1st April 18 से लगाने होते हैं. ऐसे कंपनी को Ind AS कब से लगाने होते हैं? 1st April 18 से Ind AS लगाने होते हैं. ठीक है. In the month of July 16, the company applied for terminating its membership to the exchange. It was awaiting clearance from SEBI as of June 17, and it received clearance from the board in the month of August 17, accepting their termination. And the company also have debt listed securities. ठीक है, तो as of now ये एक NBFC कंपनी है और ये अपने आप को अब ये जो NBFC का लाइसेंस है वहां से हटवाना चाहता है. Whether the company should have prepared India's financial statement as a phase one or NBFC corporate entity as on 31st March 17, given it has applied for termination of membership with the exchange in the month of July 16. तो अब ये कह रहा है कि 1st April 18 से अपना Ind AS की एप्लीकेबिलिटी NBFC के ऊपर आती है, पर मैंने तो क्या किया, बीच में ही NBFC का ये जो मेरा स्टेटस है, SEBI का जो मेरा स्टेटस है स्टॉक ब्रोकर का, ये मैंने जो है ये जो एप्लीकेशन है टर्मिनेट कराने का एप्लीकेशन डाल दिया, टर्मिनेशन का मैंने एप्लीकेशन SEBI में डाल दिया. तो जैसे ही मान लो मैं NBFC, मैंने तो मेरा फॉर्मेलिटी काम जो मेरे हैंड से होने वाला है वो मैंने कर दिया कि टर्मिनेशन का जो एप्लीकेशन है वो मैंने यहाँ पे हटा दिया है, डाल दिया है. तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जब ये NBFC नहीं रहा तो ये नॉर्मल कंपनी हो गया, और नॉर्मल कंपनी हो गया तो नॉर्मल कंपनी की 500 करोड़ की नेटवर्थ है. अगर 500 करोड़ की नेटवर्थ आपकी है, इसका मतलब आपको एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी फेज वन से. अगर नॉर्मल कंपनी की बात करें तो एप्लीकेबिलिटी कब आएगी? 16-17 से आ जाएगी. तो आपको 18-19 से इंडेक्स लगाने के बजाय 16-17 से लगाने चाहिए. तो यही पूछा गया है, क्या कंपनी को इंडेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेज वन वाले बनाने चाहिए थे एज अ नॉन एनबीएफसी कॉर्पोरेट एंटिटी, जो कि 31st मार्च 17 को ईयर एंड होगा, कंसीडरिंग कि इस कंपनी ने अपने एनबीएफसी का जो मेंबरशिप है वो क्या कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है. तो सिंस इस कंपनी ने अपना मेंबरशिप टर्मिनेट कर दिया है, तो अब आपको सोचना है और दिमाग में ये बात प्रोसेस करके फाइंड आउट करनी है कि इसका क्या करना चाहिए, क्योंकि हम एनबीएफसी तो अब रहे नहीं है ना, हमने अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर दिया है, एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया है, और कब विड्रॉ किया है इसकी डेट भी आपको पता है, जुलाई 16 को. कब अपन ने विड्रॉ किया है? ये जुलाई 16 को ही हमने विड्रॉ कर लिया है. तो यहां पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. 1st अप्रैल 16 और यहां पे लिखते हैं अपन 31st मार्च 17, ठीक है ना. तो कंसिडरिंग द नेटवर्थ 500 करोड़, तो 500 करोड़ वाले नेटवर्थ वाले एंटिटीज को तो 16-17 से इंडेक्स लगाने होते हैं ना. तो अगर 16-17 से इनको इंडेक्स लगाने होते हैं तो आप ये देखना, अगर मान लो ये एनबीएफसी नहीं होता तो 16-17 से इंडेक्स लगाता, लेकिन सिंस जुलाई 16 तक तो ये एनबीएफसी रहा ना, जुलाई 2016 तक ये एनबीएफसी रहा, स्टॉक ब्रोकर का काम कर रहा था. जुलाई 16 में इसने क्या किया, इसी दिन इसके ये मन में जच गई कि हम ये जो जो एनबीएफसी का काम कर रहे हैं अपन, ब्रोकर का जो काम कर रहे हैं, ये एनबीएफसी को हम टर्मिनेट करते हैं. टर्मिनेशन का एप्लीकेशन डाला इसने, यहां पे इसने क्या किया, टर्मिनेशन का एप्लीकेशन फाइल कर दिया. तो बाद में मैं आरबीआई के साथ में एक रजिस्टर्ड एनबीआई ना रहा, सॉरी रजिस्टर्ड एनबीएफसी ना रहा, पोस्ट जुलाई इस फेज में मैं एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं हूं, रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं हूं. किसके साथ में? आरबीआई के साथ में. बड़ी ध्यान से समझना. तो ये सिचुएशन है आपके सामने, मैं एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं हूं आरबीआई के साथ में, कब? जुलाई 16 में टर्मिनेट होने के बाद में. तो इसके दो कॉन्सिक्वेंस निकल सकते हैं यहां पे. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकल सकता है वो मैं आपको समझा देता हूं.
और वो ये होगा कि भले ही मैं रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं हूं, लेकिन ये सब पोस्ट टर्मिनेशन की बात हो रही है, पोस्ट टर्मिनेशन की बातें अपन कर रहे हैं। तो देखना, पोस्ट टर्मिनेशन में यहां पे मैं एनबीएफसी एक्टिविटीज कैरी कर रहा हूं, एनबीएफसी एक्टिविटीज मैं कैरी ऑन रख रहा हूं बिना ही रजिस्ट्रेशन के। आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन मैं काम वही कर रहा हूं। कौन सा वाला? वही ब्रोकर वाला काम कर रहा हूं मैं, लेकिन आरबीआई से मेरा टर्मिनेशन हो चुका है, आरबीआई की वैलिड एनबीएफसी लिस्ट में मैं शामिल नहीं हूं, राइट? तो दूसरा ऑप्शन इसका यह है कि मैंने टर्मिनेशन के बाद में एनबीएफसी एक्टिविटीज को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, यानी मैं काम नहीं कर रहा, अब मैं एनबीएफसी का काम नहीं कर रहा हूं। तो इसके आंसर इन दोनों फ्लो प्रोसेस में अपने को देने पड़ेंगे कि अगर आपने एनबीएफसी का काम जारी रखा, भले ही चाहे आप एनबीएफसी नहीं है, ये तो आप जानते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि भले ही चाहे आप एनबीएफसी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर इंड एस लग जाएंगे, क्योंकि हमें रजिस्टर्ड एनबीएफसी मतलब नहीं है, हम इंड एस उन लोगों पर लगाते हैं जिनके ऊपर एनबीएफसी का काम चलता है, यानी एनबीएफसी जैसा जो काम कर रहे हैं वो भी एनबीएफसी में काउंट हो जाएंगे। लेकिन हमने एनबीएफसी एक्टिविटी को क्लोज कर दिया है, तो वी आर नाउ अ नॉन एनबीएफसी कॉरपोरेट, नॉन एनबीएफसी कॉरपोरेट। अब हम क्या हो गए? नॉन एनबीएफसी कॉरपोरेट हो गए हैं, ठीक है? तो सिंस हम नॉन एनबीएफसी कॉरपोरेट हो गए हैं, तो अपने ऊपर अब क्या हो जाएगा एप्लीकेबल, नॉर्मल कंपनीज का जो रोडमैप था ना अपना, नॉर्मल कंपनीज का जो रोडमैप था, वो रोडमैप अपने ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, अब एप्लीकेबल हो जाएगा। और वो क्या कहता है कि अपने को इंड एस लगाने चाहिए नॉर्मल रोडमैप के हिसाब से, ठीक है? और नॉर्मल रोडमैप क्या कहता है कि आपकी नेटवर्थ तो देखो कितनी है, थ्रेशोल्ड में आ ही रही है, इसका मतलब आप क्या करेंगे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के सारे जो अकाउंट्स हैं, ठीक है ना, मतलब ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये फाइनेंशियल ईयर का जितना भी अकाउंट्स बनेगा, ये सारा आप इंडेक्स पे बनाए, प्रोवाइडेड कि आप क्या है नॉन कॉरपोरेट में चले गए हैं, है नहीं? आपने लाइसेंस टर्मिनेट होने के बाद में अपनी एनबीएफसी एक्टिविटीज को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, तभी आप पर ये ऑब्लिगेशन आएगा। अदरवाइज आप अगर एनबीएफसी का ही काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर इंड एस कब से लगेंगे, एज पर एनबीएफसी फ्रेमवर्क लगेंगे। कैसे लगेंगे? एज पर एनबीएफसी फ्रेमवर्क। तो आपको अभी इंड एस लगाने की जरूरत नहीं है यहां पे, तो आपको इंड एस लगाने पड़ेंगे कब से, 16-17 से, जबकि आपको यहां पे कब लगाने पड़ेंगे, 18-19 से। ये हो गया इसका पूरे आंसर का फ्लो। आई होप आप सबको ये आ गई बात होगी समझ में, ठीक है ना? तो देखो अपन इसका डायरेक्ट कंक्लूजन जो है वो देख लेते हैं। ये देखो कहता है, इन अकॉर्डेंस विद अबाउ, इफ द कंपनी वाज कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज ऑफ एनबीएफसी ड्यूरिंग द पीरियड इट वाज अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, देन इट शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंड एस एज पर द रोड मैप एप्लीकेबल टू एनबीएफसी। However, if it ceases to carry on the activities of NBFC, then the roadmap as applicable to non-NBFC companies should have been followed based on its net worth. Okay, and in the given case, assuming that the company was not carrying on the activities of NBFC from July 16 onwards, as it has applied for termination of its membership on July 16, then as per its net worth, it should have complied within days from July 16 onwards. कहने का मतलब, हमने टर्मिनेशन के लिए अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन आरबीआई ने हमें अभी टर्मिनेट किया है नहीं किया है, राइट? हम अब वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। तो हमारी ये जो एनबीएफसी एक्टिविटीज है, क्या अगर हमने क्लोज कर दी है तो हम एक नॉन एनबीएफसी कॉर्पोरेट हो जाएंगे, लेकिन एनबीएफसी एक्टिविटी हम कैरी ऑन कर रहे हैं, लेकिन हमने टर्मिनेशन की एप्लीकेशन फाइल कर दी है, उससे तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब तक हम टर्मिनेट नहीं हो जाएंगे तब तक हम ऑफिशियली एनबीएफसी का काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में वो अधिकार है। लेकिन हमसे वो अधिकार अगर सरकार छीन लेती है तो उसके बाद में तो हम चाह के भी कोई काम नहीं कर सकते। अब जैसे मैं एनबीएफसी की कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस मुझे लाइसेंस ना मिले,
आई बात समझ में? तो ये हो गया अपना इसका फाइनल आंसर, जहां पे अपने को इसका प्रोसेस फ्लो जो था वो ऐसे सेट करना था, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं अपने लोग इश्यू नंबर 19 में, ठीक है। नाउ कंपनी बी इज अ लिस्टेड एंटिटी कवर्ड इन फेज टू। देखिए कंपनी बी जो है ये एक लिस्टेड कंपनी है, फेज टू में ये इंड एस में कवर होती है। कंपनी ए इज एन अनलिस्टेड एंटिटी हैविंग नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़ एंड होल्डिंग कंपनी ऑफ कंपनी बी। तो बी का जो होल्डिंग कंपनी है वो है कंपनी ए, ठीक है, दिस इज एन होल्डिंग कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी है, ये अनलिस्टेड हैविंग नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़ और उसका नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ से कम है। इसका मतलब ये रोडमैप में कवर ही नहीं होता, इंडेस के रोडमैप में कवर ही नहीं होता, लेकिन बी कवर हो रहा है, ऑलरेडी बी कवर हो रहा है। तो बिना सोचे समझे आप ये तो बात बोल सकते हो कि सर बी के ऊपर तो इंडेस लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, है ना। ए के ऊपर इंडेस उसके खुद के थ्रेशोल्ड से नहीं लगेंगे, लेकिन बाई वर्च्यू ऑफ बी पे लग गए तो ए पे लग जाएंगे, है ना, आ रही ना बात समझ में। तो ए के ऊपर भी इंडेस लग जाएंगे भले ही चाहे इसका खुद का थ्रेशोल्ड मेट नहीं हो रहा हो। फिर बाद में कहते हैं बात, कंपनी डी इज एन इन अनलिस्टेड एंटिटी एंड होल्ड 25% इन कंपनी बी। कंपनी डी एक अनलिस्टेड एंटिटी है, ओके, ये रहा डी, ये एक अनलिस्टेड एंटिटी है और 25% होल्ड करता है ये किसमें, बी में, अनलिस्टेड एंटिटी। That is company D is an investor company. अच्छा ये हो गई बात बड़ी important कि company D एक investor company है। क्या company है ये? Investor company है, company D एक investor company है, okay। उसका नेटवर्थ कितना है? 250 करोड़। इसका नेटवर्थ है 250 करोड़, ठीक है। कंपनी सी इज अ फेलो सब्सिडियरी ऑफ कंपनी बी। अच्छा एक कंपनी और है जिसका नाम है कंपनी सी और ये फेलो सब्सिडियरी कंपनी बी की है, इसका मतलब इसकी होल्डिंग ए है, तभी तो फेलो सब्सिडियरी सी की हुई ना। तो सी इज अ फेलो सब्सिडियरी ऑफ बी, तो बी की फेलो सब्सिडियरी तभी हो सकती है जब दोनों पार्टी को कौन करे, एक पार्टी कंट्रोल करे, विच इज ए। हाँ तो ये हो गया अपना कंपनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अपने लोग इसमें क्या करेंगे कि अपने को बताना है कि इंडेस किस किस के ऊपर लगेंगे। तो चलो ठीक है, यहां पर ये आपको पता चल गया कि इंडेक्स इसके ऊपर लगेंगे, ये बात आप सब जानते हैं, इसके ऊपर भी इंडेक्स लगेंगे ये भी आप सब जानते हैं। बताइए क्या कंपनी सी के ऊपर फेलो सब्सिडियरी के ऊपर इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी आएगी, क्या इसके ऊपर इंडेक्स लगेंगे, क्या ये कंपनी खुद का कोई थ्रेशोल्ड मीट कर रहा है? नहीं। तो जब ये खुद के कोई थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहा तो इस पे इंडेक्स नहीं लगेंगे। क्या इसका होल्डिंग कंपनी कोई थ्रेशोल्ड मीट कर रहा था? नहीं, होल्डिंग कंपनी थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहा था, होल्डिंग पे तो ऑटोमेटिक एप्लीकेबल हुआ है क्योंकि बी के ऊपर एप्लीकेबल हुआ है, समझ पा रहे बात, बी के ऊपर इंडेक्स लग गया, इसका मतलब मालिक के ऊपर भी इंडेक्स लगेगा, आ रही बात समझ में। तो दैट मीन्स ए के ऊपर स्टैट्यूटरी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब सी के ऊपर भी स्टैट्यूटरी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन बी के ऊपर इंडेस लग जाने से ए के ऊपर इंडेस लग गए, ऐसा है ना। तो बीइंग अ फेलो सब्सिडरी इंडेस नहीं लगेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके ऊपर इंडेस नहीं लगेंगे क्योंकि फेलो सब्सिडरी के ऊपर इंडेस नहीं लगते, आ रही बात समझ में। लेकिन क्या होगा कि जब अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ना
जब पूरा ग्रुप इंडिया से अकाउंट्स बना रहा है तो कोई आदमी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंसोलिडेशन नहीं करा सकता, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंसोलिडेशन नहीं होने के लिए इंडिया से ही अकाउंट बना के कौन देगा? सी कंपनी। लेकिन ये एक नॉन मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन तो है क्योंकि सीएफएस तो इंडिया से ही बनेंगे, इसलिए सी को जो अपने अकाउंट्स बनाकर देने पड़ेंगे, किसको बनाकर देने पड़ेंगे? अपने मदर कंपनी को, वो इंडिया से ही होंगे। तो बेसिकली क्या होगा, उसका जो मदर कंपनी बोलेगा कि अरे भाई सी तो एक काम करना, वॉलेंटरली अडॉप्ट कर ले इंडिया, वॉलेंटरी बेसिस पे इंडिया लगा ले ताकि तुझे एएस से अकाउंट्स ना बनाने पड़े, तो एक काम कर इंडिया में वॉलेंटरली आ जा। तो ऐसे है राइट, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं कहता कि तुम इंडिया से अकाउंट बनाओ, जबकि क्या है ये खाली मतलब सी अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करना चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बिल्कुल कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वो अगर इंडेस के हिसाब से नहीं बनाएगा तो कंसोलिडेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे फिर इंडेस के हिसाब से भी बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर अपन लॉ को फॉलो करें तो इनफैक्ट ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि मुझे इंडेस से भी बनाना पड़ेगा, एस से भी बनाना पड़ेगा। तो बेटर है मैं वॉलेंटरली इंडेस अडॉप्ट कर लूं ताकि पुराने तरीके से तो कम से कम ना बनाना पड़े, दो दो तरीके से अकाउंट ना बनाना पड़े। ठीक है, तो ये तो बात इनकी हो गई, किसकी? सी की बात हो गई है, बी की बात हो गई है और ए की बात हो गई है। अब भाई जी ये जो अपना डी वाला जो कंपनी है ना, डी ये है एक इन्वेस्टर कंपनी। कौन सा कंपनी है? ये इन्वेस्टर कंपनी है। देखिए इन्वेस्टर कंपनी हमारा होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट और जीवी नहीं हो सकता, भले ही चाहे उसने कितना ही इन्वेस्ट क्यों ना कर दिया हो। इन्वेस्टर कंपनी हमारा होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट और जो जीवी जो है वो नहीं हो सकता, यानी इन्वेस्टर कंपनी के साथ में हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, इररेस्पेक्टिव इसने 25% इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्टर कंपनी का काम क्या होता है? उस कंपनी में इन्वेस्ट करना एंड देन फिर बाद में निकल जाना और वापस अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देना। तो ये कंपनी हमारे ऊपर क्या करता है कि हमारे ऊपर इस कंपनी का जो है वो कोई एसोसिएट वाला रिलेशनशिप नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये एक इन्वेस्टर कंपनी है। इसलिए डी जो एक कंपनी है, डी कंपनी के ऊपर इंडेस नहीं लगेंगे, क्योंकि डी कंपनी हमारा एसोसिएट कंपनी नहीं माना जाएगा। ये एक प्रोविजन है अपना कंपनीज एक्ट के, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 में, जो इन्वेस्टर कंपनी को हम क्या रखेंगे? ग्रुप के दायरे से दूर रखेंगे, यानी ग्रुप में ये कंसोलिडेट नहीं होगा। इसलिए तो डी के ऊपर इंडियस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। आई बात समझ में आप सब लोगों को? तो देखिए यहाँ पे इन द गिवन केस कंपनी सी इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट इंडेस, लेकिन वो वॉलेंटरीली इंडेस अपने अकाउंट बना सकता है टू फैसिलिटेट कंसोलिडेशन। विद रिगार्ड टू इंडेस एप्लीकेबिलिटी फॉर कंपनी डी, इट मे बी नोटेड दैट कंपनी डी इज जस्ट एन इन्वेस्टर कंपनी एंड डज नॉट क्वालिफाई एज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ कंपनी बी। मैंने कहा था ना कि अनलिस्टेड है ये जो अपनी सॉरी इन्वेस्टर एंटिटीज होती है, ये क्वालिफाई नहीं कर पाती किस क्राइटेरिया को? होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट और जेवी को, जॉइंट वेंचर को। दैट इज वाई इस कंपनी के ऊपर कोई इंडेस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, बाय वर्च्यू ऑफ कंपनी बी फॉलिंग अंडर द थ्रेशोल्ड ऑफ इंडेस एप्लीकेबिलिटी अनलेस इट अदरवाइज फॉल्स अंडर द रोड मैप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अदर कंडीशन स्पेसिफाइड देयर इन। कहने का मतलब देखिए भैया, जो बी कंपनी है, ये बी कंपनी के ऊपर खुद के थ्रेशोल्ड मीट हो रहे हैं, इसलिए बी के ऊपर इंडेस लगेंगे, है ना। फर्दर मोर फॉर कंसोलिडेशन पर्पस कंपनी बी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा प्रिपेयर्ड एज पर कंपनी एएस रूल 2006 ओल्ड, राइट, ओल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस ऑफ कंपनी डी एज पर दीज रूल्स। देखिए यहां पर पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, डी और बी के जो बीच में जो रिलेशनशिप है वो वैसे तो एसोसिएट का आ रहा है। किसका आ रहा है? एसोसिएट का आ रहा है, ठीक है ना। तो डी बी को ये ऑर्डर दे सकता है क्या कि भाई देखो तुम्हारे ऊपर तो लग रहे हैं इंडेस और मेरे ऊपर लग रहे हैं पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, तो अब मुझे जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं उसके लिए ना मुझे तो एएस वाले अकाउंट ही चाहिए। तो वो बी को ऐसे बोल सकता है क्या कि भाई तुम मुझे इंडेस वाले अकाउंट नहीं, मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले अकाउंट दो ताकि मैं मेरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकूं। हाँ बिल्कुल, अगर डी का मान लीजिए यहाँ पे 60% इन्वेस्टमेंट होता, किसमें होता? बी में होता, तो इसका मतलब बी के ऊपर इंडेस भी कंपलसरी लग गए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी उसको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बी का जो एक ओनर है डी, इसको कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। तो ये जो बी जो है
बी क्या करता, डी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से देता। तो सिंस ये वैसे अभी 25% ही इन्वेस्टमेंट किया है इस क्वेश्चन में, तो 25% इन्वेस्टमेंट किया है तो 25% पे एसोसिएट का रिलेशनशिप आता है, तो एसोसिएट का रिलेशनशिप आएगा तो बी क्या करेगा, अपने इंडेस वाले अकाउंट तो दे नहीं सकता डी को, इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन को फैसिलिटेट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले अकाउंट उसको देने पड़ेंगे। आगे बात समझ में आप सब लोगों को। तो ये हो गया अपना डिस्कशन किसका, रोड मैप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस का, ये सारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ राइट। अब इसका जो पार्ट टू होगा इस वीडियो का, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ये जो अपना नेटवर्थ क्राइटेरिया है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेटवर्थ क्राइटेरिया पे क्वेश्चंस करेंगे, रोड मैप के अपने सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो हो चुके हैं कंप्लीट, एंड आई होप आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, अपने प्रोविजंस को अप्लाई करना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।